गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर जी के क्लास स्टूडेंट्स टूडे आई एम कवरिंग दाप द पेज नंबर टेन ऑफ योर जी के बुक द नेम ऑफ द पेज इज एनिमल एक्सप्रेशन इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद द दिटियंट प्रोवर्ब्स जिसमें हमने कुछ प्रोवर्ब्स को डिस्कस किया था आज हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस uh, uh, यूज करेंगे दैट इज़ गिवन इन नॉर्मली बाय एनिमल्स एक्सप्रेशन बट वी आर यूजिंग दैम फॉर एज ए प्रोवर्ब इन आर रियल लाइफ सिचुएशन हम रियल लाइफ सिचुएशन में उन एनिमल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं ठीक है लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द एनिमल एक्सप्रेशन आर ऑफन यूज फॉर रियल ऑफन यूज फॉर रियल लाइफ एक्सप्रेशंस हम उनको कहाँ यूज कर रहे हैं रियल लाइफ एक्सप्रेशंस में ठीक है एंड फॉर रियल लाइफ एक्सप्रेशंस हेयर सम एनीमल एक्सप्रेशंस मैच दैम करेक्टली विद दियर ट्रू मीनिंग्स हमें उन्हें मैच करना है विद द ट्रू मीनिंग लेट स्टार्ट द पेज द वेरी फर्स्ट इज अबुल चाइना शॉप अब बुल इन चाइना शॉप बुल जो है वो रिप्रजेंट करता है नॉर्मली द डिस्ट्रायनेस को या uh, ये कह सकते हैं कि uh, काम को uh, खराब करने के लिए बुल एक एंग्री एनिमल के रूप में हम देखते हैं ठीक uh, है अ बुल इन अ चाइना शॉप इट इज इट मीन्स हेयर वन हु डिस्ट्रॉय द थिंग्स वन हु डिस्ट्रॉय द थिंग्स वन जो डिस्ट्रॉय करेगा थिंग्स को ठीक है नेक्स्ट अ स्नेक इन ग्रास स्नेक जब ग्रास में है तो दैट इज मीन्स क्लेवरली हिडन कि वो बहुत चालाकी से छुपा हुआ है अ डार्क हॉर्स अ डार्क हॉर्स वन हु ब्रिंग बैड नेम्स टू हिज फैमिली डार्क हॉर्स का मतलब है कि वो पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए कुछ गलत नेम लेके आता है या ये कह सकते हैं कि जो अपनी फैमिली के लिए कुछ बुरा लर्न अर्न कर सकता है जिसे हम कहते हैं कि कुछ बैड डीड्स करता है उसे बैड नेम टू हिज फैमिली एक्सेट्रा ओके अ वाइल्ड गूज चेज अ वाइल्ड गूज चेज एक जंगली गूज जब चेज कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ चेजिंग विद डिटर्मिनेशन एंड स्पीड कि जब हम चेज कर रहे हैं किस चीज़ को हम फुल डिटर्मिनेशन और स्पीड के साथ अपने गोल को अचीव करने की जब कोशिश करते हैं तो दैट इज़ अ वाइल्ड गूज़ चेज ओके नाओ पल्स बिफोर अ स्विन पल्स बिफोर अ स्विन एक स्विन के आगे मोती भी रखा होगा तो वो क्या करेगा वो उसको खाने की कोशिश करेगा ठीक है तो यहाँ पर पल्स बिफोर अ स्विन का मतलब है एक स्टुपिड इट इज़ हेयर वेयर इट इज अ स्टूपिड पर्सन नॉट नोइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द थिंग्स कि वो एक स्टूपिड पर्सन है और एग्जैक्टली exactly उसको वैल्यू नहीं पता है उस चीज़ की जैसे स्वाइन को नहीं पता होता कि पर्ल की क्या वैल्यू है मोती की क्या वैल्यू है और वो उसे खाने की कोशिश करता है जस्ट लाइक दैट ओके नाउ काम है एट अ स्नेल्स पेस स्नेल्स पेस स्नेल पेस का मतलब है uh, मूविंग वेरी स्लोली इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली स्नेल बहुत स्लो स्लो चलता है तो स्नेल पेस इज मूविंग वेरी स्लोली नेक्स्ट इज कैट अमंग पीजंस कैट अमंग पीजंस पीजंस बहुत शांत जानवर होता है जो क्लेवर बिल्कुल नहीं है पीजन पीजन कबूतर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी क्लेवर नहीं है तो कैट अमंग पीजंस का मतलब है कि कुछ अ कनिंग पर्सन अमंग द इनोसेंट्स अ कनिंग पर्सन अमंग द इनोसेंट्स कैट को कनिंग माना जाता है पीजें इनोसेंट होते हैं ठीक है थीके? तो अनिंग पर्सन अमंग इनोसेंट ओके नेक्स्ट इज ऑर्नेट नेस्ट ऑर्नेट्स नेस्ट ठीक है तो यहाँ पर अ ग्रेट बंडल ऑफ ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑर्नेस्ट नेस्ट मीन्स अ ग्रेट बंडल ऑफ ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं नेक्स्ट इज हॉर्स सेंस हॉर्स सेंस मतलब है कॉमन सेंस हॉर्स सेंस मीन्स कॉमन सेंस ओके लॉयस डेन लॉयंस डेन लॉयस डेन अ पावरफुल पर्सन लॉय पावरफुल होता है ना तो उसकी उसकी uh, जहाँ पर गुफा में जाना बहुत मुश्किल खतरे से खाली नहीं होता जस्ट लाइक दिसर इट इज ग्रेट मंडल ब्रिंग नेम ऑफ हिज फैमिली वियर इट इज अ प्लेस ऑफ पावरफुल पर्सन इट इज हेयर लॉयस डैन इज अ प्लेस ऑफ पावरफुल पर्सन ओके सो दिस इज योर एनिमल्स एक्सप्रेशन मैं एक बार रिपीट कर दूँ अबुल इन अ चाइना शॉप इज वन डिस्ट्रॉय द थिंग्स अ स्नेक इन ग्रास क्लेवरली हिडन अ डार्क हाउस अ डार्क हाउस मीन्स वन हु ब्राउट हुम बैड नेम बैड नेम टू हिज़ फैमिली अ वाइल्ड गूज अ चेजिंग विद डिटर्मिनेशन एंड स्पीड पर्स बिफोर अ स्वाइन पर्स बिफोर अ स्वाइन मीन्स That a stupid person, not knowing the true value of the things, at a snail pace, that is very slowly moving, very slowly. Cat among pigeons, a cunning person among the innocents. Ornest nest, a place. Uh, Ornest nest means um, a great bundle of troubles and problems. Horse sense, common sense. Lion's den, a place of the powerful person. Okay, now come on the next page. That is what's the word? Now, what we have to be learned under this page? Yes, what's the word? People are often identified. Let's read the question first. People are often identified and known for the particular habits, behaviors, characteristics. Choose and write. वन वर्ड फॉर द पीपल एंड गिवन द करैक्टरस्टिक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स बच्चे आपको क्या करना है कि नॉर्मली लोग जो हैं वो सिंपल uh, कुछ आइडेंटिफाइज uh, uh, कुछ हैबिट्स से आइडेंटिफाइड होते हैं अपनी पिकुलर uh, हैबिट्स से ठीक है तो वट एग्जैक्टली दे आर कॉल वो किस नाम से जाने जाते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है मतलब जैसे कि हमारे में एक पर्टिकुलर हैबिट है तो लोग एक पर्टिकुलर नेम उसको दे देते हैं ठीक है जैसे कोई पर्सन अगर आ, बहुत ज़्यादा क्या है एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी स्मार्ट है या कनिंग है बहुत ज़्यादा तो हम उसको आ, कुछ जैसे हमने ऊपर नेम दिया कि एक कनिंग पर्सन है तो उसको हम क्या कहेंगे तो कनिंग पर्सनस के लिए वी आर यूजिंग समथिंग अ कैट अमंग द पीपल तो वो क्या है वो एक बिहेवियर है कि वो ऐस तरह से है तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं आपको एंड वी जस्ट हैव टू हेल्प बॉक्सिस गिवन यर वी जस्ट हैव टू सेट आउट दीज विद द राइट वन ओके सो एन एम्बिशियस एंड अ सक्सेसफुल पर्सन एक एम्बिशियस और सक्सेसफुल पर्सन उसको हम क्या कहते हैं ही इज नोन एज द हाई फ्लायर ही इज़ नोन एज ई फ्लायर नेक्स्ट अ लेजी पर्सन हु लव्स वॉचिंग द टी वी एक लेजी पर्सन जो टी वी देखना पसंद करता है ही वॉज अ ही वॉज नोन एज कॉच पटेटो ही वॉज नोन एज कॉच पटेटो अ स्किलफुल यंग पर्सन एक स्किलफुल यंग पर्सन ही वॉज नोन एज विज किड स्किलफुल यंग पर्सन का मतलब समझते हो ना कि वो स्किलफुल भी है और यंग भी है स्किलफुल जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं अ पर्सन और एन एक्सपर्ट ऑब्सेस्ड विद समथिंग एक पर्सन और एक्सपर्ट जो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है उसको उसकी नॉलेज है ठीक है वाज नोन एज

प्रनर ओके नेक्स्ट अ पर्सन हु इज एडिकेटेड टू द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को लेकर एडिक्टेड है कंप्यूटर्स पर ही वर्क करता है एडिक्ट है पूरा का पूरा ही वॉज नोन एज कंप्यूटर बग ठीक है कंप्यूटर बग जो सारा दिन कंप्यूटर्स पर ही लगा रहता है कंप्यूटर बग अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रीम ओपिनियन और एप्रिसशन अबाउट रिलीजियस बिलीव एक पर्सन जिसको धार्मिक कामों में बहुत ज़्यादा ओपिनियंस भी हैं और बहुत नॉलेज भी है बिलीव रखता है बहुत ज़्यादा ही वॉज नॉन एज आई थिंक ही वॉज नॉन एज फेनाटिक फेनेटिक ही वॉज नॉन एज़ फैनेटिक ठीक है अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट एट बिजनेस डील्स जो बिजनेस डील्स में एक्सपर्ट है कोई भी बिजनेस डील वो बहुत अच्छी कर लेता है ही वॉज नॉन एज व्हीलर डीलर व्हीलर डीलर अ डुप्लीकेट हु इज मेड जेनेटिकली सिमिलर एक डुप्लीकेट जो जेनेटिकली सिमिलर है जिसमें जीन्स सेम है इट वॉज नॉन एज क्लोन नॉन एज क्लोन अ पर्सन हु ट्रैप्स एनिमल्स इलीगली जो इलीगली एनिमल्स को ट्रैप uh, करते हैं यानी कि लेते हैं ठीक है ही वाज़ नोन एज ही वाज़ नोन एज विज किट विज किट अर्सन हु ट्रैप्स एनिमल इ लिगली विज किट ओके तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट पेज वी हैव डन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे